गोरी तर बिंदिया ले 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 आया वैरानी हमरा अब रतिया ले 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 बिंदिया हमरा अब रतिया। हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक लिरिक्स स्टेटस एडिटिंग वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो प्रीव्यू में तो देख लिया वीडियो कैसा होने वाला है, तो इस स्टेटस को बनाने के लिए वीडियो को एकदम पूरा देखना होगा, तभी पता चलेगा मैं वीडियो कैसे बनाया हूँ, नहीं तो पता नहीं चलेगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह वीडियो पाने के लिए। और जिन्होंने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में फोटो वगैरह जो कुछ यूज होगा सभी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उधर से ज्वाइन हो जाना। और वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उधर से मैसेज कर देना। और इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना होगा, तो एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। तो एलाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद ये जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, और ये जो साउंड बिट मैप प्रोजेक्ट और टेक्स्ट इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये दो प्रोजेक्ट मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उधर से इनपुट कर लेना। और अगर इनपुट करना नहीं आता है तो वीडियो उसके लिए एक बना दिया हूँ, वीडियो को देख लेना, वो भी मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले साउंड बिट मैप प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो साउंड बिट मैप प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद तो देख सकते हो साउंड बिट मैप प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह दिखाएगा। तो क्या करना होगा, देख सकते हो ये जो फास्ट बीट है, देख सकते हो ये जो इमोजी ऐड है, तो ये जो लेयर है, ये लेयर जहाँ ख़त्म होता है उधर इतना दूर तक इमोजी ऐड होगा ये बीट में। और ये जो 2 सेकंड के आगे जो बाद में जो लेयर है, तो इधर सॉन्ग का लिरिक्स ऐड होगा, तो इधर सॉन्ग का लिरिक्स ऐड करना होगा। और इधर से फिर से 10 सेकंड से फिर से ये जो बीट है, ये बीट में इमोजी ऐड करना होगा। और फिर से ये जो 14-22 सेकंड के बाद जो सॉन्ग लिरिक्स है, तो इधर से फिर से सॉन्ग का लिरिक्स लिख लेना। तो ऐसा करके लिख लेना, मैं समझाने के लिए ये इमोजी ऐड ये लेयर आगे से ही देख कर रखा हो। तो वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले दो फोटो को ऐड करना होगा, तो सबसे पहले दो फोटो को ऐड कर लेना, कोई भी फोटो आप जिस फोटो पे बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड कर लेना। तो मैं ये फोटो पर वीडियो बनाऊंगा, तो एक फ़ोटो ऐड कर लिया। फोटो ऐड करने के बाद ये जो मूवमेंट ट्रांसफॉर्म है इधर टच करना होगा, और ऐसे करके इस ये फोटो को ऐसे ऊपर कर लेना, ठीक से सेट कर लेना। चाहो तो थोड़ा फोटो को जूम भी कर सकते हो। उसके बाद एकदम एंड में चले जाना, एंड में जाने के बाद एक बार बैक हो जाना, और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना, तो ये जो लेयर है फोटो का एकदम एंड में आ जाएगा, सॉन्ग के बराबर हो जाएगा। उसके बाद फिर से फर्स्ट में चले जाना और सेकंड फोटो को ऐड करना होगा, तो उसके लिए फिर से प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन पर चले जाना और एक फ़ोटो को ऐड कर लेना। फोटो ऐड करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाना, और ऐसे करके ये फ़ोटो को थोड़ा नीचे ले आना और ऐसे सेट कर देना। सेट करने के बाद ये फ़ोटो को भी थोड़ा जूम कर लेना, तो जूम ऑप्शन पर चले जाना और ऐसे करके जूम कर लेना। तो जूम करने के बाद एक बार बैक हो जाना और फिर से एंड में चले जाना। एंड में जाने के बाद ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन को टच कर देना, तो ये फ़ोटो भी एकदम एंड में आ जाएगा, देख सकते हो। तो अब ये जो फोटो है, दो फोटो में अब इफेक्ट देंगे, तो इफेक्ट देने के लिए बैक हो जाना और टेक्स्ट इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो ओपन करने के बाद ये जो दो फोटो है, तो दो फोटो में दो इफेक्ट रहेगा, तो ये जो ऊपर में जो फोटो है, ये फोटो को टच करना, इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट पर जाना और कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद बैक हो जाना और सॉन्ग बिट मैप प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो सॉन्ग बिट मैप प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद ये जो फोटो है, ये फोटो में ये इफेक्ट को देना है, तो ये जो नीचे फोटो है देख सकते हो, तो ये नीचे की फोटो में ये इफेक्ट को देना है, तो इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद ये जो फोटो है, ये फोटो में देख सकते हो हमारा इफेक्ट लग गया है। उसके बाद ये जो नीचे फोटो है, ये फोटो में
फिर से अलग ही प्रिंट देंगे, तो उसके लिए बैक हो जाना और टेक्सपर्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। और ये जो नीचे जो फोटो रहेगा, ये फोटो में जो इफेक्ट है वो कॉपी करना होगा। तो फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट पर जाना और कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर से बैक हो जाना और सॉन्ग बिटमैप प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद ये जो ऊपर में जो फोटो है, ये फोटो को टच करना, इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट कर देना। तो देख सकते हो दो फोटो में इफेक्ट ऐड हो गया है। तो अब क्या करना होगा, तो अब एक शैडो को ऐड करेंगे। तो शैडो ऐड करने के लिए ये जो प्लस ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना और एक शेप ले लेना। शेप लेने के बाद शेप को फिल स्क्रीन कर लेना, तो थ्री डॉट पर टच करना होगा और इधर से फिल कंपोजिशन एरिया को टच कर देना। उसके बाद ये जो कलर फिल ऑप्शन है, ये ऑप्शन पर टच करना और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। टच करने के बाद इस लाइन को ऐसे खींच लेना और इसको मिडिल कर लेना ऐसे करके। तो मिडिल करने के बाद ये जो ब्लैक कलर का जो बॉक्स है इधर टच करना है और ये जो मिडिल में जो ऑप्शन है इधर टच कर देना और ये जो ऑप्शन है इसको ऐसे करके नीचे ले आना। नीचे लाने के बाद ये जो व्हाइट कलर का जो बॉक्स है इसको टच करना है और इसको ब्लैक कर देना। ब्लैक करने के बाद ये जो थोड़ा इसको नीचे नमा लेना ऐसे करके। सेट करने के बाद एक बार बैक हो जाना और एकदम लास्ट में चले जाना और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो शेडो देख सकते हो हमारा शेडो भी ऐड हो गया है। उसके बाद दो इमोजी ऐड करेंगे, तो इमोजी ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, डबल टेक्स्ट पर चले जाना और इधर दो इमोजी को ऐड करेंगे। तो दो इमोजी को ऐड, तो मैं तीन इमोजी ऐड करूँगा। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना एक बार और अट्रापिटी ऑप्शन पर टच करना ऐसे करके। थोड़ा बढ़ा लेना इसको और ये जो बॉक्स है इसको टच कर देना। टच करने के बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना और ऐसे करके इस लाइन को नीचे ले आना, तभी ये इमोजी दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। देख सकते हो ऐसे नीचे कर लेना और दो बार टिक ऑप्शन पर टिक कर देना। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाना और इसको इधर सेट कर देना ऐसे करके। तो सेट करने के बाद एक बार बैक हो जाना और एकदम एंड में चले जाना और ये जो ऑप्शन है इसको टच कर देना, तो ये जो लेयर है एकदम लास्ट में आ जाएगा। उसके बाद ये जो बीट है, ये बीट में फिर से इमोजी ऐड होगा। तो इमोजी ऐड करने के लिए फिर से प्लस ऑप्शन को टच करना, डबल लेटेक्स पर चले जाना और यहाँ पर फिर से इमोजी को ऐड कर लेना। तो मैं इमोजी ऐड करूँगा। तो एक बार ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, रैपिडी ऑप्शन को टच करना है और थोड़ा बढ़ा लेना। उसके बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना और ये जो ऑप्शन है इसको टच करके ये जो ट्रांसफॉर्म ये जो ऑप्शन है इसको नीचे कर देना। तो दो बार टिक करना होगा और ये जो मूव एंड ट्रांसफॉर्म इसको टच कर देना और ऐसे करके इसको ये इमोजी को नीचे ले आना। नीचे ले आने के बाद एक बार बैक हो जाना और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके बिट के आगे चला गया। देख सकते हो उसको कट करना होगा, तो यहाँ पर टच कर देना तो कट हो जाएगा। तो ऐसे करके ये जो बिट है, ये बीट में इमोजी को ऐड कर लेना और ये जो बीट है ये बीट में लिरिक्स, सॉन्ग का जो लिरिक्स है वो ऐड करना होगा। तो सॉन्ग लिरिक्स ऐड करने के लिए सॉन्ग को पहले करना होगा। तो मैं प्ले करके सुन लेता हूँ पहले। तो मैं सॉन्ग को सुन लिया हूँ। उसके बाद सॉन्ग लिरिक्स लिखेंगे, तो उसके लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, डबल टेक्स्ट पर चले जाना और इधर से सॉन्ग लिरिक्स लिख लेना। तो ऐसे करके लिख लेना। लिखने के बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना एक बार और रोबोट रेगुलर ऑप्शन पर टच करना और ये जो फोन है ये फोन मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, उधर से डाउनलोड करके ये फोन को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद अड्रापिटी ऑप्शन पर टच करना है और ऐसे करके इस लाइन को बढ़ा लेना अपने हिसाब से जितना आप रखना चाहते हो। उसके बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद दो बार टिक ऑप्शन पर टिक करना होगा और एक बार एरो ऑप्शन पर टच कर देना। देख सकते हो बिट के आगे चला गया ये लेयर, तो उसको कट करना होगा बिट के बराबर। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना तो कट हो जाएगा। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में टच करना है और ऐसे करके इसको भी नीचे ले आना और इधर सेट कर देना। सेट करने के बाद एक बार बैक हो जाना और ये जो लेयर है इसको कॉपी करना होगा। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना और कॉपी लेयर कर लेना। कॉपी लेयर करने के बाद फिर से ये जो बीट है ये बीट में फिर से
ये पेस्ट करना होगा। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना और पेस्ट लेयर कर देना। पेस्ट लेयर करने के बाद देख सकते हो हमारा जो लेयर है वो इतना दूर तक है और हमारा जो बीट है वो है इतना दूर तक। तो ये बीट के पास लाने के लिए ये जो ऑप्शन है इसको टच करना और ये जो ऑप्शन है इसको टच कर देना तो बीट के बराबर हो जाएगा। उसके बाद फिर से ये जो बीट है ये बीट में सॉन्ग लिरिक्स लिखने के लिए फिर से सॉन्ग को प्ले करना होगा। तो लेयर को टच करना, डबल टेक्स पर चले जाना और ऐसे करके इसको पहले हटा लेना। हटाने के बाद और लिख लेना। लिखने के बाद टिक ऑप्शन पर एक बार टच कर देना तो देख सकते हो हमारा जो सॉन्ग लिरिक्स है वो ऐड हो गया है ऐड। तो ऐसे करके आप लोग ये जो बीट है ये बीट में सारे लिरिक्स लिख लेना। उसके बाद ये जो बीट है ये बीट में फिर से सॉन्ग सॉरी ये जो बीट है ये बीट में इमोजी ऐड होगा तो इमोजी ऐड कर लेना। उसके बाद ये जो बीट है ये बीट में फिर से सॉन्ग लिरिक्स लिख लेना। तो ऐसे करके सभी लेयर में लिख लेना। उसके बाद ये जो इमोजी ये इमोजी में आप इफेक्ट देंगे और ये टेक्स्ट लेयर में भी इफेक्ट देंगे तो उसके लिए बैक हो जाना और टेक्स्ट इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना और ये जो टेक्स्ट इफेक्ट है इसको लेयर को टच करना, इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट पर जाना और इसको कॉपी कर लेना। उसके बाद फिर से बैक हो जाना और सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो ओपन करने के बाद ये जो इमोजी है नीचे ये इमोजी लेयर को टच करना, इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट कर देना। तो पेस्ट करने के बाद देख सकते हो हमारा इमोजी में इफेक्ट लग गया। तो एक दो इफेक्ट को यहाँ से हटाना होगा। तो ये दो इफेक्ट है, ये दो इफेक्ट को ऐसे करके हटा देना। तो हटाने के बाद जितने सारे आप इमोजी ऐड करोगे तो सभी इमोजी में वो दो इफेक्ट को हटा देना। उसके बाद ये जो टेक्स्ट लेयर है ये लेयर में वो इफेक्ट फिर से देना होगा। तो लेयर को टच करना, इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट कर देना। और ये जो इफेक्ट है ये जो लेयर में इफेक्ट दिया ये लेयर में कुछ भी इफेक्ट हटाना नहीं होगा। जैसे कॉपी किया वैसे यहाँ पर पेस्ट कर देना। उसके बाद फिर से ये लेयर में भी इफेक्ट दे देना ऐसे करके। तो ऐसे करके जितने सारे सॉन्ग लिरिक्स लिखोगे वो लिरिक्स में इफेक्ट हटाना नहीं होगा और इमोजी जितने सारे ऐड करोगे तो इमोजी में इफेक्ट हटाना होगा। तो ऐसे करके आप लोग दे देना ये इफेक्ट को। तो आप ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड करेंगे तो उसके लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन पर चले जाना और ये जो ब्लैक स्क्रीन वीडियो ये वीडियो को ऐड कर लेना। मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। तो ये वीडियो को टच करना, ऊपर में थ्री डॉट पर टच करना और ये जो फिल कंपोजिशन एरिया है इसको टच कर देना और इस वीडियो का जो वॉल्यूम है उसको पहले जीरो कर लेना और ये जो ब्लेंडिंग ओपेसिटी ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना और लाइटिंग ऑप्शन पर चले जाना और ये जो स्क्रीन है इसको स्क्रीन कर लेना। स्क्रीन करने के बाद एकदम लास्ट में चले जाना। तो लास्ट में जाने के बाद देखो बीट के आगे लेयर चला गया तो इसको कट करना होगा। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना तो वीडियो लेयर कट हो जाएगा। तो वीडियो लेयर को ऐसे साइड में टच करके रहना है और ये जो शेडो है हमारा उसके नीचे ले आना। तो ऐसे करके सेट कर देना। उसके बाद हमारा जो वीडियो है वो बन के तैयार हो गया। तो आप वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे तो वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए ये जो ऊपर में जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। और वीडियो एडिट करने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। तो मेरा आज का वीडियो इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय।